नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज मेरे पास है 20 वाट का ट्यूब लाइट जो कि पूरी तरह से डेड है और थोड़ा थोड़ा टूट फूट भी गया है, देख सकते हैं इस तरह से। ठीक है, ये जल नहीं रहा। आज की इस वीडियो में हम इसको रिपेयर करना आपको बताने वाले हैं कि अगर आपका भी कोई ट्यूब लाइट ख़राब है यानी डेड है तो उसको कैसे आप रिपेयर कर सकते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर दो वायर से यहाँ से निकला होता है लेकिन सब टूट ताट गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करना, अगर आपका पूरी तरह से बंधा है तो खोलने के लिए इस साइड में और दूसरे साइड में आपको यहाँ पे लॉक देखने को मिल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लॉक होता है, यहाँ पे यहाँ दबाएंगे तो आपका पीछे साइड में ये लॉक इसका जो ये डिब्बी है खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए इस तरह से दोस्तों बहुत टाइट है, थोड़ा देखिए इस तरह से यहाँ पर ये आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये खोल लेने के बाद अब इधर से मैं ज़रूरत नहीं था लेकिन एक ही साइड लॉक था इसलिए मैं खोल के दिखाना आपको ज़रूरी समझा। ठीक है, तो यहाँ सब टूटा फूटा हुआ है तो मैं इसी साइड से या देखिए यहीं से पीसीबी को निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये इसका ड्राइवर सर्किट होता है। इसके बाद इसमें जो LED लगा होता है कुछ इस तरह से, यहाँ से आप इसको बाहर निकाल सकते हैं। अगर ये फिक्स नहीं होगा, जाम नहीं होगा तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे दोस्तों ये इसमें चिपकाया हुआ है, देख सकते हैं अंदर ये चिपकाया हुआ है तो हमें निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। हमारा काम इसमें क्या है, इसमें जो ड्राइवर सर्किट लगा हुआ है इसके बारे में हमें यहाँ पे मतलब सोचना है कि ये हमारा कैसे रिपेयर होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो हमारा 20 वाट का ये ट्यूबलाइट है, इसमें छोटा सा सर्किट इस तरह से पूरा मिट्टी लगा हुआ है। सबसे पहले इसको हम साफ कर लेते हैं, इस तरह से हमने इसको साफ़ कर लिया। दोस्तों यहाँ पे जो वायर लगा हुआ है बहुत छोटा सा वायर है तो मैं इसको हटा के एक दूसरा वायर इस पर जोड़ लेता हूँ, उसके बाद यहाँ पे चेक करेंगे। अभी हमने इसको चेक भी नहीं किया था कि ये हमारा सप्लाई से जल रहा है या नहीं जल रहा है। मैं यहाँ पे लाइव ही इसे खोला हूँ। ठीक है, तो यहाँ इसी दोनों पॉइंट पर मैं दोनों वायर को एक दूसरा वायर यहाँ पर जोड़ लेता हूं। अब दोस्तों यहां पे हमने वायर जोड़ दिया, एक प्लग लगा हुआ, तो अब आपको क्या करना है, यहां पे इसका जो ड्राइवर सर्किट का वोल्टेज चेक कर लेना है। ठीक है, अगर आपका ये प्रॉपर वोल्टेज बना रहा है तो इसका मतलब आउटपुट दे रहा है तो इसका मतलब आपका LED ख़राब होगा, जो आपका LED पत्ता लगा होगा वो ख़राब होगा। अगर ये वोल्टेज नहीं दे रहा तो हमारा ड्राइवर सर्किट में प्रॉब्लम होगा। तो यहाँ पर मैं इसे सप्लाई दे देता हूँ और मल्टीमीटर लेंगे, मल्टीमीटर DC 200 वोल्ट के रेंज में हमको रख लेना है। इसके बाद यहाँ हम आउटपुट पे वोल्टेज चेक करेंगे तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं लगभग 81, 77, 74 यानी जो हमको वोल्टेज मिलना चाहिए ये वोल्टेज यहाँ पे हमको प्रॉपर ये दे रहा है, लेकिन हमारा LED यहाँ पे नहीं जल रहा है ट्यूबलाइट का। इसका मतलब हमारे ट्यूब रॉड में हमारे जो LED हैं वो LED में प्रॉब्लम होगा। तो दोस्तों अगर हम LED इसका रिपेयर करने लगेंगे तो हमारी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो इसको हम किसी दूसरे वीडियो में आपको रिपेयर करके दिखाएंगे अगर कोई LED इस तरह का। लेकिन इस वीडियो में अगर हम रिपेयर करने लगेंगे तो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। एक बार हम LED को देख लेंगे, शायद यहाँ से निकल जाए और उसको हम देख पाएँ। ठीक है, लेकिन ये बहुत मतलब फिक्स किया हुआ है दोस्तों, ये निकलने वाला नहीं है। फिक्स होने के नाते यहाँ से निकलेगा नहीं तो फिर इसको हम रिपेयर भी नहीं कर पाएंगे। तो अब दोस्तों हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम अपने ड्राइवर सर्किट को एक बार क्लियर करने के लिए यहाँ इसको हटा के और एक दूसरा आपका जो भी 12 वाट 15 वाट का या 7 वाट का भी अगर कोई MC PCB है तो इस पर लगा के आप चेक कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ 7 वाट का एक MC PCB है, इसको लगा के हम एक बार चेक कर लेंगे कि हमारा प्रॉपर वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है, तो हमारा क्लियर हो जाएगा कि हमारे ट्यूब का LED ही ख़राब है। तो इस तरह से हमने यहाँ देखिए कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, यहाँ आपने इस पैनल मतलब LED को कनेक्ट कर दिया है और अब सप्लाई देते हैं। देख सकते हैं हमारा जो LED बल्ब है ये हमारा MC PCB वो बिल्कुल अच्छी रोशनी के साथ यहाँ पर ग्लो हो रहा है, यानी जो भी हमारा प्रॉब्लम है वो हमारे ट्यूब रॉड में है। दोस्तों यहाँ ट्यूब रॉड अभी रिपेयर करने का मेरे पास कोई मतलब संसाधन नहीं है जिससे मैं उस रॉड को रिपेयर कर सकूं। बाकी अगर आपके ड्राइवर सर्किट में या इसमें किस तरह से फॉल्ट को निकाला जाता है तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद बिल्कुल आप सीख गए होंगे। वीडियो भाई पसंद आए वीडियो को लाइक बिल्कुल कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।